सो गाइस, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि लेनोवो के लेटेस्ट आइडियापैड लैपटॉप पे भी वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ लेनोवो का लेटेस्ट आइडियापैड स्लिम 3, जो कि i3 11th जनरेशन वाला वेरिएंट है। और इससे पहले मैंने इस लैपटॉप के 14 इंच वेरियंट पे वीडियो बना दी, वो आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे इसी 15 इंच वाले वेरियंट की परफॉर्मेंस और बेंच मार्क स्कोर्स के बारे में, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है। और अगर आप 45,000 के बजट में एक लेनोवो का लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो तो आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू श्योर टेक स्मार्ट 2.0, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले इस लैपटॉप की बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। तो इसमें प्रोसेसर मिलता है इंटेल का लेटेस्ट i3 11th जनरेशन 1115G4, जिसकी बेस फ्रिक्वेंसी 3 GHz है। और मेमोरी मिलते रैम इसमें 8GB की DDR4 जो कि डुअल चैनल के साथ आती है। दो स्लॉट में आपको रैम मिलेगी, जिसमें एक ऑनबोर्ड और एक आप एक्सटेंड कर सकते हो। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो इसमें मिलती है सैमसंग की NVMe M.2 SSD 256GB की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट SSD प्रोवाइड करवाती है। और इसके साथ ही GPU मिलता है वही इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स, जो कि 4GB शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। सो गेम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। तो गेम प्ले से पहले मैं आपको गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम HD रेजोल्यूशन पे गेम प्ले करने जा रहे हैं 720p और एडवांस सेटिंग्स सारी ऑफ कर रखी है मैंने। This area ain't gonna have a biker problem much longer. Can't fuck with the van, but we can drop those bikers. Alright. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some seatbelt back here, or straps or something. I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh. Sharp left! Slow it down! I can't see us taking out all the bikers this go, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, some over, you know, by the... Hey, not today. Their time will soon be upon them. No, no!
सो GTA 5 का गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है 720p पे, आपको 40 टू 50 फ्रेम रेट मिल जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से यहाँ पे 30 फ्रेम रेट पे स्टक शो हो रहा होगा आपको, और ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है इसमें आपको, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है इसमें, बॉटम स्पीकर दिए हैं जो सराउंड साउंड के साथ आते हैं। तो नेक्स्ट इसमें प्ले करते हैं होम फ्रंट, जो कि एक FPP एक्शन गेम है, और यहाँ पे आप गेम की सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। इसमें भी 720p रेजोल्यूशन पे गेम प्ले करेंगे और मीडियम सेटिंग्स पे। We need to move. Gonna have the entire KPA on our ass after that stuff. Here comes the cavalry. Get out of the parking lot. It's about to get down. They're trying to head us off. I hope your work with this rescue is gonna cost us. We need you in this fight, Jacob. Start shooting. Two of them coming over the fence. Aim for the head. Make every bullet count. There's no going back. You got green blood on your hands. You're in the resistance now. इस गेम में फ्रेम रेट काफ़ी अच्छी मिल रही है, अराउंड 50 टू 60 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी आपको, तो काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आप कर सकते हो। सो गाइस इसमें एक रेसिंग गेम और प्ले करके देख लेते हैं, नीड फॉर स्पीड अंडर कवर। तो गाइस इस गेम में तो आपको 60 FPS की कंटिन्यूस फ्रेम रेट मिल जाएगी और HD रेजोल्यूशन पे गेम प्ले हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो गेम प्ले के बाद इस लैपटॉप के बेंचमार्क भी देख लेते हैं।
यूजर बेंचमार्क से इसको प्रोसेसर को मिला है 69.7% गुड, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और इंटेल एचडी ग्राफिक्स को वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है, बट पर फ्रेम रेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेम रेट मिल रही है। और सैमसंग की M.2 NVMe SSD की परफॉर्मेंस 143% आउटस्टैंडिंग है। और इसके साथ ही इसमें रैम भी लगी हुई है सैमसंग की ही डुअल चैनल, जो कि काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और परफॉर्मेंस स्कोर्स की बात करें तो Geekbench 5 से इसको CPU स्कोर मिला है सिंगल कोर के लिए 1227 और मल्टी कोर के लिए 2520। i3 11th जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही इसमें 2 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं। और इसकी बेस्ट फ्रीक्वेंसी 2.99 GHz, जो कि अराउंड 3 GHz है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.1 GHz है। L3 कैश मेमोरी 6 MB की मिलती है। और इसके साथ ही इसके सारी सिंगल कोर परफॉर्मेंस स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मल्टी कोर परफॉर्मेंस स्कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं। GPU बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो OpenCL से इसको मिला है 9154, ये भी काफ़ी सही स्कोर है। और वल्कन कंप्यूटर पे बात करें तो 9235 स्कोर मिला है। तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है इस लैपटॉप की, आपको अच्छे से गेमिंग देखने को मिलेगी। सो मैंने इस लैपटॉप में गेम प्ले करके इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि गेम प्ले परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। आप नॉर्मली कोई भी गेम में 50-60 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं, और रेसिंग गेम्स में आपको 60 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। और HD रेजोल्यूशन पे आपको GTA 5 में भी 50 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। और 1080p में आपको गेमिंग करनी हो तो आपको अराउंड 40 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। तो काफ़ी स्मूथ और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें, और बाकी सारे काम इजीली कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल फोटोशॉप एडिटिंग वगैरह पे आप इजीली इसमें कर पाओगे। और लुक्स की बात करें तो लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप लग रहा है इसमें, प्लेटिनम सिल्वर कलर में लैपटॉप देखने को मिलेगा। और एडिशनल फीचर में इसमें आपको वेबकैम शट का ऑप्शन मिलता है, जो कि लेनोवो के अधिकतर नए लैपटॉप्स में आ ही रहा है, तो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी। और इस मॉडल के रिगार्डिंग मेरे को एक डाउट लगा है, IdeaPad स्लिम 3 सीरीज का लैपटॉप है, बट मुझे कुछ ज्यादा स्लिम लग नहीं रहा, आपको एक नॉर्मली थिकनेस मिल रही है, बट ओवरऑल लुक्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अच्छा लैपटॉप है। और अगर आप 45,000 में एक लेनोवो का लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग डिवाइस के साथ में। होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।